भाई साहब हमने बहुत ज्यादा फोकस दिया है, भाजपा कह रहे कि आप लोगों में गड़बड़ी है, नाथ चौधरी ने भी कहा है, बीजेपी ने भी कहा है, उसका कोई मतलब है जिसका नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है? अरे तो हम क्या करें, हमारा मछली है, बाप को इज्जत कौन दिया, हमने दिया ना, और उसका उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए, एमएलए मंत्री? अरे क्या कर रहा है, इसके पिताजी बना दिए, उसका तो उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं? बात उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? कोई सेंस नहीं है वो सब का, देखिए उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए, और आप लोग भी मौजूद हैं, आप लोगों का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हम लोगों ने करवा दिया है आप देख रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी इसकी पूरी चर्चा हो रही है, और हम लोगों ने तो जो भी था अब 9 पार्टियां थी, सबका मीटिंग करके भी सब बात बता दिया गया, और जब हाउस शुरू होगा तो एक एक हाउस में भी पूरा डिटेल अब सब लोगों को यूनिक किया गया है, आर्थिक स्थिति का भी, सबका लोगों लेकर के हर एक परिवार का, सभी जातियों का है, तो सबका उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा, सब अवेलेबल सिक्योरिटी दे दिया जाएगा, लोगों के हाउस में लोग रखेंगे, तो इसीलिए एक एक लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है सर, कहा जा रहा है दोबारा एमवाई को ज्यादा पार्टियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने तय किया, बहुत अच्छा हो गया, इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है विमर्श करके हम लोग करेंगे। अभी कर रहे हैं सर, भाजपा कह रही है कि लालू यादव के दबाव में आपने एमवाई का समीकरण बना दिया, यादव का जो है संख्या बढ़ा दिया है, लालू यादव के दबाव में आपने एमवाई समीकरण पर ज्यादा फोकस दिया है, भाजपा कह रही है नाथ चौधरी ने भी कहा है, बीजेपी ने भी कहा है, उसका कोई मतलब है जिसका नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है? अरे तो हम क्या करें, हमारा मछली है, उसके बाप को इज्जत कौन दिया, हमने दिया ना, और उसका उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए, एमएलए मंत्री? अरे क्या कर रहा है, इसके पिताजी बना दिए, उसका तो उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए, और उसको छोड़ करके गया, साथ गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? कोई सेंस नहीं है वो सबका, देखिए उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए, अब तो अपनी तो अच्छी अच्छी अब तो बीजेपी ऐसा ही देख रहा है, ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो सबसे ज्यादा को बना दिया है, सुनिए ना, हम वैल्यू देते हैं, जेपी नड्डा ने आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे क्या? आप अभी चिंता मत करिए, हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे, अभी आप पहुंच लीजिए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पूछिए हमसे, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, एक एक चीज लोगों के सामने, अभी दोनों पार्टी का मीटिंग पूरे हाउस सबकी राय हम लोग सुनेंगे, और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय, अभी मत चिंता करेंगे। क्षेत्रीय नड्डा ने कहा है, जेपी नड्डा ने कहा है कि क्षेत्रीय भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष हैं कि क्षेत्रीय रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। वो तो एक्चुअली देखिए बात ये है कि आप लोग संपूर्ण से कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कब्जा कर लिया है, अब कोई सरकार के पैसे का सदुपयोग कर रहा है, तो जो इधर उधर कर रहा है, इसीलिए अंड बंड प्रचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेटमेंट हम देखने नहीं जाते, आप चिंता मत करिए, आप बस चिंता करिए उन लोगों के चाहने से कुछ होगा। अब अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं और जनता का जो हालत है, तो अगर वो निर्णय ले लेगी और इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। सर जेपी चिंता मत करिए,
लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते, वो लोग क्या क्या बोलता है उसको ध्यान नहीं देते। और आपको हम बता देते कि आज कल उन लोगों का स्टेटमेंट ही सबसे ज्यादा आता है, तो काय का हम झूठे देखो। पहले आप जानते हैं बचपन से कितना ज्यादा अखबार देखते थे और कितना ज्यादा सब चीज देखते थे, आज कल सब चीज को बर्बाद कर दिया है। तो अब इन दिनों कुछ दिन के लिए हम नहीं देखते, आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर देखेंगे। और आप लोग इतना बढ़िया हो जाएगा, यंगर न हो, हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं। जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा, बहुत फायदा होगा। सर एक सवाल, चिंता मत करिए।